यहाँ पर तस्वीर में जो राकेश है वो खरीदने आए हैं फल और सब्जी। तो देखते हैं आखिर राकेश अभी क्या खरीद रहे हैं। भैया केले कैसे दिए हैं? भाई साहब 60 रुपए दर्जन। जरा एक दर्जन देना। तो राकेश ने एक दर्जन केले मांगे हैं और फल वाले ने यह केले उसको दिए। एक दर्जन केले जो हैं वो ये हैं। तो क्या हम इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है, यानी 1 dozen में कितना होता है? तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तो ऊपर वाले केले हो गए, नीचे भी कुछ केले हैं जो हमें पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहे। तो ये तो 8 थे, इसके आगे की गिनती करते हैं, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिला के हुए 12 केले। तो एक दर्जन में हुए 12 केले। तो दोस्तों हमें यह तो पता लगा कि एक दर्जन में यानी 1 dozen में होते हैं 12। अक्सर हम जब बाजार जाते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो दर्जन में बेची जाती हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि केलों को दर्जन में बेचा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो दर्जन में बेची जाती है? चीजें जो दर्जनों में बेची जाती हैं, थिंग्स दैट आर सोल्ड बाय द डजन। तो चलिए देखते हैं, एक तो ये केले हो गए, उसके अलावा क्या होता है? कभी क्या आप चूड़ियां खरीदने गए हैं? जो बैंगल्स होती हैं यानी कि चूड़ियां, वो भी दर्जन में बेची जाती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यह जो चूड़ियां हैं कितनी हैं, यह भी 12 हैं। तो 12-12 के रेट पे इसे बेचा जाता है, दर्जन के रेट पे। इसके अलावा अंडे जो होते हैं उन्हें भी दर्जन में बेचा जाता है। तो दोस्तों हमने जाना चीजें जो दर्जन में बेची जाती है, थिंग्स दैट आर सोल्ड बाय द डजन। क्या आप इन चीजों के अलावा कोई और चीज बता सकते हैं जो कि दर्जनों में बेची जाती हो? जरा बाजार जाइए और देखिए कौन कौन सी सब्जी और फल का दाम जो है वो दर्जन में लगाया जाता है, या और कौन सी चीजें हैं जिनका दाम दर्जनों में लगाया जाता है।